गुड मॉर्निंग बच्चों, के आर लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोड़ आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हमर छठवीं कक्षा के दूसरा किताब बाल राम कथा किताब में हमर अवधपुरी में राम मतलब अयोध्या में राम, अयोध्या का दूसरा नाम अवधपुरी मतलब अब अयोध्या। तो इससे पहले किस नाम से जाना जाता था उसे? अवधपुरी। ठीक है, अवधपुरी नाम से बुलाते थे, अवधपुरी में राम। ठीक है, अयोध्या में राम, यह भाग पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें बच्चों अयोध्या में मतलब अयोध्या का राजा दशरथ महाराज अयोध्या में होने वाले लोगों का मतलब प्रजा, ठीक है, तो उन लोगों की कुशल क्षेम जिस तरह पूछते थे, उन्होंने एक बहुत कुशल योद्धा मतलब कुशल सैनिक थे और न्यायप्रिय शासक थे। तो हर एक व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिलना चाहिए, तो इस तरह यह भावना रखकर एक अच्छी तरह सब लोगों के लिए प्रिय राज के रूप में उन्होंने राज्यभार कर रहे थे। कौन? दशरथ महाराज। यहां तक हम पिछले कक्षा में देखे थे बच्चों, आइए देखेंगे आगे क्या करते हैं। महाराजा अज के पुत्र महाराज रघु के वंशज रघुकुल के उत्तराधिकारी रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। देखो महाराजा अज के पुत्र कौन? वही दशरथ महाराज। ठीक है, उन्होंने कौन थे? वो अज, महाराजा अज के पुत्र थे, महाराजा रघु के वंशज मतलब अज और दशरथ महाराज इनका वंश कौन सा था? वो रघुवंश, रघु के वंशज रघुकुल के उत्तराधिकारी रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सिर्फ दशरथ महाराज एक ही नहीं, उनके पिता भी जिस तरह दशरथ महाराज राज्यभार कर रहे थे एक कुशल योद्धा के रूप में, ठीक है, हर एक सैनिक के कुशल क्षेम पूछते हुए उन लोगों के कष्ट में भाग लेकर, तो एक न्यायप्रिय शासक बनकर उन्होंने राज्यभार कर रहे थे, तो उसी तरह उनके पिताजी भी मतलब महाराज अज उन्होंने भी इसी तरह राज्यभार किए थे। तो इसलिए उनका सम्मान मतलब उनकी प्रशंसा हर जगह दिखाई देता था। प्रशंसा मतलब तो उनकी प्रशंसा तारीफ तारीफ कर प्रशंसा और तारीफ ಹೊಗಳುವುದು ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರ ವಂಶವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಅಯೋಧ್ಯ ನಗರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರು ಸಹ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸೆ ಲೇಖ बात व्यवहार तक, तो उन वंशज के अजय वंश हो या दशरथ महाराज के वंश को उन्होंने बहुत तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे। तो क्या क्या प्रशंसा करते थे? सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक मतलब दूसरों के साथ जिस तरह उन्होंने व्यवहार करते थे, जिस तरह बातें करते थे, ठीक है, यह सब विषय की प्रशंसा करते थे। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी लोगों के मन में भी। तो पूरा इन्होंने तो लेखक जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, तो वह अयोध्या नगर एक मिसाल की तरह उनके नगर के लोग जीवन बिता रहे। मिसाल मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल बोलते हैं ना, उसी तरह दूसरों को उदाहरण की तरह उस नगर के लोग क्या कर रहे थे? जीवन बिता रहे थे। तो इनोबरी उदाहरण ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಗರದ ಜನರು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು।
अब देखो क्या कहते हैं उन्होंने, मर्यादाओं का पालन करते थे, रिस्पेक्ट मर्यादा अरे गौरवन पालस्ता थे। सदाचारी मतलब अच्छे गुणी, मतलब मन में बहुत दूसरों को मदद करना, ठीक है। तो ऐसे अनेक अच्छे गुण थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी। तो अयोध्या में हर जगह पवित्रता और शांति दिखाई देती थी, नगर में भी लोगों में के मन में भी, नगर में भी ऐसा वातावरण फैला था। और उसी तरह नगर में वास करने वाले हर एक व्यक्ति के मन में भी ये सभी अच्छे गुण दिखाई देते थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, ठीक है, उन्हें किसी चीज की कमी ना थी। तो राजा लोग ऐसे ही रहते, उनको किस विषय के में भी कमी ना रहती, ठीक है, बहुत शानदार से और आराम से जीवन बिता रहते बिताते थे, चीज की कमी नहीं थी, राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, देखो राजा दशरथ उन्होंने एक यशस्वी राजा थे, उन्हें किसी चीज की कमी न थी, तो बहुत उत्तम आड़गारे विषय कोरते किसी चीज की कमी न थी। राज सुख था, राज मर्यादे राजर हे सुखद जीवन नडस्तारो अदे रीतिया जीवन दशरथ महाराजरिगू इत्तु। कमी होने का प्रश्न ही नहीं था कोई भी चीज का, ठीक है, किसी भी चीज का कमी होने का बात भी नहीं आती थी। तो उसी तरह राज सुख था, लेकिन उन्हें एक दुख था, फिर भी बहुत आराम से और सुख से जीवन चला रहे थे दशरथ महाराज, फिर भी मन में एक दुख था। वो क्या दुख है, इष्टेल आराम जीविसू सहित और मन दुखवीत अब देखेंगे। उन्हें दुख था, छोटा सा दुख मन के एक कोने में छिपा हुआ, बहुत एक नन्हा छोटा सा दुख था मन के एक कोने में, ठीक है, मन के एक कोने में वह छिपा था। वह रह रह कर उभर आता, रह रह कर मतलब एक एक बार, ठीक है, उभर आना मतलब उछलना बाहर आना। बहुत आराम से वह राजा जीवन बिता रहे थे, फिर भी मन में एक छोटा सा दुख था। वह एक एक बार रह रह कर मतलब एक एक बार वो क्या होता था, बाहर आता, उभर आता, उभर आता, मतलब उभर आने से मतलब बाहर आता, उफूद अब एक ठोकरी में तो चीज भरते जाओ, वह भरने के बाद क्या होते हैं, तो ठोकरी से बाहर पड़ते हैं, वे उसे हम क्या कहते हैं, उभरना, तुम भी बिलोद उसकी बिलोद अंत हाँ। तो उसी तरह इधर क्या हुआ, तो महाराज के मन में एक छोटा सा दुख था, वह एक एक बार क्या होता था, बाहर आता था, उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उन्हें दशरथ महाराज जी क्या करते थे, सालता रहता, सालना मतलब संभालना, संभालना समाधान पड़ी ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ದುಃಖ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಾಲದಾ ರಹತಾ ಥಾ ಉನ್ಕೆ ಕೋಯಿ ಸಂತಾನ ನಹೀ ಥೆ, ಸಂತಾನ ಮತಲಬ್ ಬಚ್ಚೆ, ಠೀಕ್ ಹೈ। ತೊ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೋ ತೊ ಮನ್ ಮೇ ಏಕ್ ಹೀ ದುಃಖ ಥಾ, ವಹ ಕ್ಯಾ ಥಾ ದುಃಖ, ತೊ ಮಹಾರಾಜ ಕೋ ಸಂತಾನ ನಹೀ ಥಿ, ಠೀಕ್ ಹೈ, ತೊ ಬಚ್ಚೆ ನಹೀ ಥಿ, उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, उनकी तीन रानियां थी,
आयु मतलब एज उम्र, आयु लगातार बढ़ती जा रही, आयु मतलब उम्र। तो बहुत दिनों से मन में यह दुख था। दुख क्या था? वो दशरथ महाराज को कोई संतान नहीं थी, मतलब बच्चे नहीं थे, लेकिन उनका उम्र लगातार मतलब कंटिन्यू लगातार बढ़ती जा रही थी। और ये मक्कल आगिरलिल्ल, बट वयस्सु मात्र एनागता इद्रे कंटिन्यू आगे वयस्सु कळीता इत्तु। उनकी तीन राणिया थी, दशरथ महाराज को तीन राणिया थी, मतलब पत्निया, तीन राणिया थी। तो उनका नाम देखो, कौशल्य, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों क्या थे? दशरथ महाराज के रानिया, पत्निया, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था। जिस तरह दशरथ महाराज के मन में यह दुख था, उसी तरह रानिया भी, मतलब महाराज के पत्नियों के मन में भी यही दुख था। संतान की कमी, संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, यह दुख हमेशा उनको क्या करता था? वो छिड़ाता था। जीवन सुना सुना लगता था, सुना सुना मतलब खाली खाली। तो हमें संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, तो आगे हमारा वंश जिस तरह बढ़ता है, यह सोच उनके मन में बहुत दिनों से था। इसलिए उनका पूरा जीवन खाली खाली लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। तो एक एक बार क्या होता था, रानियों के साथ दशरथ महाराज बातें करते बैठता था, ठीक है? तो एक एक बार क्या होता था, अंत में यह बात आ जाता था। यह बात आए तो भी, यह बात आते ही उन सभी को बहुत दुख हो जाता था, राजा और रानियों को भी, ठीक है? तो यह विषय आते ही तो उन सभी के बातें रुक जाते थे। ये ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ದುಃಖವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದು? ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ರಾಣಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲು ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತು ತನ್ನ ತಾನೇ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ತೋ ಇಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಹೋತಾ ಇಕ್ಕಿ ತೋ ಉನ್ಕೆ ಮನ್ ಮೇ ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕಾ ಬಹುತ್ ದುಃಖ ಥಾ, ಇಸ್ ವಿಷಯ ಕಾ ಬಹುತ್ ದುಃಖ ಥಾ. राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। तो इस विषय पर राजा बहुत चिंता करते थे, ठीक है? बहुत सोच विचार महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, देख लो। तो अंत में तो इस विषय पर महाराज को बहुत दुख होता था, वह दुख उन्होंने सहन कर रखता था, मन में सहन कर लेता था। इसके बाद सिर्फ राजा को ही नहीं, रानियों में भी इस विषय के बारे में बहुत दुख था। यह सोचकर या इस विषय के बारे में उन्होंने समझकर राजा महाराज दशरथ महाराज क्या करते हैं, देखो। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में, मतलब इस विषय के बारे में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। वशिष्ठ मुनि मतलब ऋषि, ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಸೇ ಚರ್ಚಾ. ಆ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಹೋಗಿ ವಶಿಷ್ಠ ಋಷಿ ಮುನಿಯರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉನ್ನೆ ಪೂರಿ ಬಾತ್ ವಿಸ್ತಾರ ಸೇ ಬತಾಯಿ, ಮನ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ದುಃಖ ಹೇ ವಹ ಪೂರಿ ತರಹ ಸೇ ವಿಸ್ತಾರ ಸೇ ಉನ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯೇ ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಸೇ ಬತಾಯಿ. ರಘುಕುಲ ಕೆ ಅಗಲೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಅಪ್ನಿ ಚಿಂತಾ ಬತಾಯಿ. ದೇಖ್ ಲೋ, ಅಬ ಕ್ಯಾ ಹೋ ರಹಾ ಹೇ, ರಘುಕುಲ ಕೆ, दशरथ महाराज के पिता कौन थे? अजय महाराज, अजय। तो उनके बाद क्या कर रहे हैं वो? दशरथ महाराज तो वह पद संभाल रहे हैं, महाराज के पद, रघुकुल के पद उन्होंने संभाल रहे हैं। अब राजा दशरथ महाराज होने के बाद तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा? इस विषय के बारे में उन्होंने क्या किया, वशिष्ठ मुनि से चर्चा की और मन में क्या चिंता है वह पूरा उनसे बता दिए उन्होंने। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे, उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। और ऋषि मुनि
ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರಾಜರ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಮಹಾರಾಜ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರ ದುಃಖವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಉನ್ನೋನೆ ಏಕ ಸಲಹ ದಿ, ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಹೇ ಉನ್ನೋನೆ, ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಏಕ ಯಜ್ಞ ಕರ್ನಾ ಹೈ, दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी. पुत्रेष्टि यज्ञ, वो यज्ञ का नाम क्या है, पुत्रेष्टि यज्ञ. पुत्रेष्टि पुत्र मतलब अब आपको बच्चे बच्चे चाहिए ना, संतान चाहिए, इसलिए आप यज्ञ करना है. कौन सा, पुत्रेष्टि यज्ञ. महर्षि ने कहा आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी. वह आप यज्ञ किए तो, पुत्रेष्टि यज्ञ किए तो मन में क्या चिंता है वह अवश्य दूर हो जाएगा. तो आप क्या मन में आपकी इच्छा है वह अवश्य पूर्ण हो जाएगा. तो इस तरह वशिष्ठ मुनि राजा महाराज दशरथ महाराज के वह मन में उनका क्या चिंता था, तो उस चिंता दूर होने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, एक सलाह देते हैं. देखेंगे बच्चों आगे वह यज्ञ करते या नहीं, या यज्ञ पूरी होने के बाद दशरथ महाराज को संतान होते या नहीं, उसके बारे में हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों. धन्यवाद.